जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। आज जो ये आर्मी की भर्ती आई है, और आर्मी की भर्ती हमेशा आती रहती है, अब आप आर्मी में कैसे भर्ती होंगे उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि नया सिलेक्शन प्रोसेस लागू हो चुका है, ये आपको जानना चाहिए। और 8th पास, 10th पास, 12th पास कौन कौन सी भर्तियाँ इस समय इंडियन आर्मी में अवेलेबल हैं, यानी उपस्थित हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है, बिल्कुल नहीं है, पूरे YouTube पे आपको ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आज जो हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। जो भी कोई नया नियम बनता है कम से कम 3 से लेके 5 साल तक रहता है, और जो 2024 में ये सिलेक्शन प्रोसेस का नियम है 2025, 26, 27, 28, 30 तक आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं, जितने भी लड़के इंडियन आर्मी का सपना देखते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, हर एक अपडेट के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी अपडेट मिलती रहेगी। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे सिंपल स्टेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आर्मी में अगर आपको भर्ती होना है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, 8 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस का मेन फेज है, मुख्य चरण है। पहला फॉर्म अप्लाई करेंगे, दूसरा एग्ज़ाम देंगे, तीसरा कट ऑफ आएगा, चौथा फिजिकल देंगे, पाँचवा मेडिकल, छठा डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल कट ऑफ, फिर ज्वाइनिंग लेटर, और पिक्चर वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ ओरिजिनल हूबहू दिखाने जा रहे हैं जैसा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बता दें कि जो वैकेंसी आती हैं वो 8th पास आती हैं, 10th पास आती हैं, 12th पास आती हैं, बीएससी या बीए पास भी आती हैं, जो जेसीयू रैंक की होती हैं आर्मी में सोल्जर्स की। तो ट्रेडमैन की जो 8th पास 8वें पास लड़के हैं, उनकी 8th पास जो आती है, ट्रेडमैन की कुक होता है, धोबी होता है, सफाई कर्मचारी होता है, ये अलग अलग ट्रेड होती हैं, ठीक है। जो 10th पास की आती हैं वो जीडी की होती हैं, जिसके माध्यम से लड़के आगे चल के कमांडो वगैरह अलग अलग बनते रहते हैं, उसी में से सेलेक्ट किया जाता है, और सोल्जर जनरल ड्यूटी की आती है। उसके बाद 12th के बाद नर्सिंग हो गया, क्लर्क हो गया, और जो आधिकारिक वैकेंसी रहती हैं 12th पास वो सारी मिलती हैं, और बीए बीएससी के बाद हवलदार की भी वैकेंसी अवेलेबल होती है, ठीक है। ये तो आपको बता दिया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अब आगे जो मेन बात है वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा नंबर 1 से बताता हूँ पहले। नंबर 1 में ये है कि आपको फॉर्म भरने के लिए जीमेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई आप मिस्टेक फॉर्म में नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको सिलेक्शन के दौरान रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब भी फॉर्म भरवाएंगे दुकान वाले से देखिए, दुकान वाला कोई गलत आपका डिटेल उसमें ना डाल दे, ठीक है, नहीं तो दुकान वाले का आप सर खा जाना और उसे एडिट करा लेना पहले ही, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। अब अगली जो बात है वो आपको बता देता हूँ। दूसरी बात है एग्जाम। जब फॉर्म भर देंगे तो कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम अगर आप देते हैं क्लर्क वगैरह का, तो अब तो टाइपिंग भी मांग दिया है, लेकिन ये है क्लर्क का सिलेबस, ये जीडी का सिलेबस। जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस जो है वो सेम होता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है, पासिंग मार्क 35 क्वेश्चन पे रहता है, और नंबर पे, इसका मतलब लगभग अगर आप 50% से ऊपर नंबर लाते हैं तो फिजिकल के लिए आप पास हो जाते हो। पहले तो लड़कों को फिजिकल के लिए ही बुलाया जाता है, एग्ज़ाम इसलिए कराया जाता है कि कम से कम लड़के जो फाइट करें भीड़ ज़्यादा ना लगाएं, जो एलिजिबल हैं बस वही कैंडिडेट है। इसका रीज़न क्या है वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्लर्क का सिलेबस, इसको भी देख लेंगे, कितना क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन, 200 नंबर, और यहाँ पे इंग्लिश कंप्यूटर के अलग हो जाते हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, ठीक है, टोटल कितने हैं वो भी आप नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो मेन रीज़न था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भीड़ को कम करने के लिए कट ऑफ अनिवार्य है। नॉर्मल एक कट ऑफ जाता है फिजिकल के लिए सिर्फ, ये टफ नहीं होता है। पहली बार जो लड़कों का कट ऑफ है 50 से 60% के आसपास गया था, जो 2023 और 24 की भर्तियाँ रही हैं। उसके बाद जो ओल्ड कट ऑफ लड़कियों का था, पहले लड़कियों का ये नियम था कि जिस लड़की का क्लास 10th में 85% है उसी का एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन अब ये नियम सारे हट गए हैं, ये सब हट गए हैं, ऐसा कुछ अब नहीं रह गया है। अब हर लड़की का एडमिट कार्ड आता है, सभी को पेपर देने का मौका मिलता है, और जो एक नॉर्मल कट ऑफ पास करता है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिजिकल की डेट भी 2 महीने बाद ही मिलती है। अब उसके बाद देख लेते हैं अग्निवीर का जो फिजिकल होता है। फिजिकल अभी 4th फेज हो गया, फिजिकल एग्जाम आपने देखा, फॉर्म देखा, अब यहाँ फिजिकल देख लीजिए। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग है, सभी को पता है टाइम कितना मिलता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, जिग जैग, ये सब नॉर्मल कराया जाता है, पुशअप पुलअप ये सब करना पड़ता है, तो वो सब आपको घर पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों के साथ। उसके बाद 5वां जो मेडिकल का प्रोसेस हो गया, मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है, मेडिकल में जो बहुत ही मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल,
इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। भारतीय सेना में आपको शामिल होने के लिए मानसिक एक अच्छी शरीर रहनी चाहिए, नॉर्मल चेस्ट वगैरह रहना चाहिए, कितना सेंटीमीटर फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है छाती, और आपका वजन 50 किलो के आसपास होना चाहिए, और कोई भी हड्डी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, भाषा स्पष्ट आप बोलना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए, और कोई नॉर्मल धार्मिक टैटू है तो वो छोटा होना चाहिए। सारी जानकारी इसमें लिखा गया है। आँखें 6x6 होनी चाहिए, और क्या क्या संबंधित हृदय वगैरह, आपका जो बीपी वगैरह नॉर्मल सब कुछ, एक जो कैंडिडेट लड़का होता है नॉर्मल लड़का, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। डिटेल में जानने के लिए समय कम है, तो इसलिए आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सब कुछ लिखा गया है, जैसे जैसे जो जो चेक होता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आराम से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को रोक के यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये था मेडिकल का प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। जब मेडिकल पास कर लेते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर आता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th पास से फॉर्म भरे हैं तो 10th का, 12th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं। उसके बाद सबके 2 कॉपी चाहिए होते हैं और 20 फोटो वगैरह। तो डॉक्यूमेंट में 10th 12th जो भी आपका रहता है, जिसे फॉर्म भरे रहते हैं, आधार कार्ड, जो भी आपका डोमिसाइल, गाँव के सरपंच द्वारा 6 महीने का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NCC का है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आपकी शादी हुई है कि नहीं है वो भी लगाना रहता है, गांव का सरपंच ही बना के देता है, और भी कोई सर्टिफिकेट है तो अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको छूट मिलती है, और फाइनल जो कट ऑफ बनता है उसमें आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिजिकल के भी नंबर मिलते हैं, एग्ज़ाम के भी नंबर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद, एग्ज़ाम जब होता है तो आपका और फिजिकल और डॉक्यूमेंट को लेकर फाइनल कट ऑफ बनता है। डॉक्यूमेंट को लेकर कैसे, किसी ने NCC किया है तो उसमें छूट मिल जाती है, फिजिकल अच्छा दिया है उसमें नंबर मिलता है, एग्ज़ाम अच्छा गया है उसका नंबर जोड़ा जाता है, सब कुछ मिला के फाइनल कट ऑफ जारी होता है, जिससे आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ हमेशा 70% से ऊपर ही होता है, 100 में से 70% से ऊपर ही होता है, 70-80% के बीच में होता है, और जो एग्ज़ाम के लिए होता है एग्ज़ाम 50 से 60% से ऊपर होता है फिजिकल के लिए, क्योंकि यहाँ 2 कट ऑफ बनते हैं, इसीलिए लड़कों को पहले थोड़ी छोड़ दी जाती है, बाद में टफ कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें से जितनी सीट रहती हैं बस उतना ही लड़कों को लेना रहता है, तो फाइनल कट ऑफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है सभी के लिए, आप ही के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर कुछ इस प्रकार के आपके घर आता है, 2 से 3 महीने के बाद, या कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। ज्वाइनिंग लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भारतीय सेना का लोगो लगा रहता है, आपके एड्रेस पे आता है पिन कोड के साथ। उसके बाद आप खोलते हैं तो आपको आपको ज्वाइनिंग का डेट और एड्रेस लिखा रहता है, कैंप लिखा रहता है कि इस डेट को, इस कैंप को आके आपको रिपोर्टिंग टाइम है, काइंडली रिपोर्ट, आपको आके यहाँ पे पुणे में, चाहे यहाँ पे 14 जून जुलाई को आपको रिपोर्ट करना है, आपकी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप अपना बैग पैक करते हैं, और ये किसी लड़के का है जो मैंने मिटा दिया है, फिर आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर जाते हैं, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, फिर आपकी पे स्केल, सैलरी वगैरह, शुरू में सैलरी 60% रहती है, और जब आर्मी की जो लीगल सैलरी होती है फिर 100% आपकी बढ़ा दी जाती है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। और इस समय जो सैलरी पे वीडियो मैंने बनाया है कि इंडियन आर्मी में कितनी सैलरी मिल रही है, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लेना। आर्मी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके फुल डिटेल वीडियो है, नीचे जाके देख लेना। फिजिकल में कैसे कैसे क्या क्या चेक होता है वो भी है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपली बताया कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी का होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। स्टेप में पहला स्टेप, अब मैं कितने अंतराल रहते हैं वो भी बता देता हूँ। जब भी आप फॉर्म भरते हैं उसके 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, नॉर्मली जो है एग्ज़ाम कराया जाता है। एग्ज़ाम कराने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपको कट ऑफ जारी होता है, ठीक है, कि आप लोग का क्या कट ऑफ गया है। उसके बाद आप लोग का लिस्ट में नाम आ जाता है फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए आपको मौका मिल जाता है 1 से 2 महीने के बाद, फिर फिजिकल होता है। फिजिकल कराने के बाद आपको 1 महीने या 15 दिन के बाद जब रिजल्ट आता है तो आपका मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल भी हो जाता है तो मेडिकल के 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुला लिया जाता है। उसके बाद 3 से लेकर 6 महीने में आपको कट ऑफ निर्धारित करके आर्मी वाले ज्वाइनिंग लेटर भेज देते हैं, जिसके माध्यम से आपको कम से कम 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग टाइम मिल जाती है कि आपको सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना है, अपने ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना रहता है, यानी कि घर पे ज्वाइनिंग लेटर छोड़ देना, उसको लेके जाना होता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी चैनल पर हर डिफेंस की जानकारी दी जाती है, जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते सारी अपडेट हम देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर कमेंट करिएगा।